बीती 19 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाले आंकड़े साझा किए। बताया कि साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी। साल 2020 के मुकाबले ये संख्या बहुत बड़ी है। कोविड महामारी के बीच उस साल देश के 85,256 नागरिकों ने अपनी नागरिकता छोड़ी थी। सरकारी डेटा के अनुसार 2021 में नागरिकता त्यागने वाले सबसे ज्यादा 78,284 लोग अमेरिका गए। इसके बाद 23,533 लोग ऑस्ट्रेलिया, 21,597 लोग कनाडा और 14,637 लोग यूनाइटेड किंगडम गए थे। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से 2021 के बीच 9,32,000 से ज्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। चूंकि भारत दोहरी नागरिकता माने डुअल सिटीजनशिप की इजाजत नहीं देता, इसीलिए अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश का नागरिक बनने का इच्छुक है उसे पहले भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। लेकिन ये होता कैसे है? नागरिकता अधिनियम 1955 एक व्यक्ति के नागरिकता खोने या त्यागने के तीन तरीके निर्धारित करता है। यह है नागरिकता त्याग देना, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता से वंचित कर देना। इन तीनों तरीकों को आइए विस्तार से समझते हैं। पहला, नागरिकता का त्याग। भारत का कोई भी वयस्क नागरिक नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। हालांकि युद्ध के समय यह घोषणा स्वीकार नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता छोड़ता है तो उसके नाबालिग बच्चे भी अपनी भारतीय नागरिकता खो देते हैं, पर 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अगर वो बच्चे चाहें तो भारतीय नागरिकता दोबारा ले सकते हैं। दूसरा, नागरिकता की समाप्ति। अगर कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से पूरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह अपने आप भारत की नागरिकता खो बैठता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत डुअल सिटीजनशिप को नहीं मानता। माने आप भारत और किसी और देश के नागरिक साथ में नहीं हो सकते, या तो आप भारत के नागरिक हैं या नहीं। हालांकि यह प्रावधान भी युद्ध के समय लागू नहीं होता। नागरिकता से वंचित करना। अब हम उन परिस्थितियों की बात करते हैं जब केंद्र सरकार खुद भारतीय नागरिकता को समाप्त कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति धोखे से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो, अगर कोई भारतीय नागरिक भारत के संविधान के प्रति निष्ठा या वफादारी नहीं दिखाता, युद्ध के समय यदि उस नागरिक ने अवैध रूप से संचार या व्यापार किया हो, देशीयकरण के 5 साल के अंदर कोई नागरिक अगर 2 साल की अवधि के लिए कैद किया गया हो, किसी नागरिक ने अगर 7 साल से ज्यादा समय के लिए भारत के बाहर निवास किया हो। पर भाई, भारतीय नागरिक नागरिकता का त्याग करते कैसे हैं? भारतीय नागरिकता छोड़ने के लिए त्याग प्रमाण पत्र माने रिनंसिएशन सर्टिफिकेट या समर्पण पत्र माने सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है। इसके साथ ही एक स्टैंप भी जरूरी है जो कहता है विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करने के कारण रद्द किया गया। आपको ये बता दें कि रद्द किए गए टिकट वाले भारतीय पासपोर्ट को किसी भी नागरिक की नागरिकता का परित्याग नहीं माना जा सकता। त्याग के लिए आवेदन करते वक्त कई प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, मसलन सही तरीके से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ वर्तमान तस्वीर और जरूरी दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना होता है। पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट एक्टिव और एक्सपायर्ड दोनों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा के लिए इंडियन सिटीजनशिप ऑनलाइन .nic.in पर आवेदन ऑनलाइन भरकर जमा करना होता है। घोषणा करने वाले को भारत में स्थायी पता, सहायक दस्तावेज, अपना वर्तमान पता, ये सब सबमिट कर ये बताना भी जरूरी है कि वो जमा किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के लिए किससे संपर्क करना चाहता है। उपयुक्त टिकटों और प्रमाण पत्रों के लिए लगाए जाने वाले टैक्सेस के बारे में पूछताछ करते समय अपने क्षेत्राधिकार और सेवा केंद्रों के क्षेत्र की पहचान करना भी आवश्यक होता है। जाहिर है, भारतीय नागरिकता त्यागने के बाद भारतीय पासपोर्ट का उपयोग जारी रखना अवैध होता है, जिसके लिए चूक करने वाले को दंड भी दिया जा सकता है। सरेंडर सर्टिफिकेट कैसे हासिल करें? त्याग प्रमाण पत्र और समर्पण पत्र माने हमने जिनके बारे में पहले बताया, रिनंसिएशन सर्टिफिकेट और सरेंडर सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं। ये एक चार्जेबल सेवा है। पासपोर्ट सेवा वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर आप सरेंडर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जरूरी दस्तावेज लेकर आपको पासपोर्ट कार्यालय जाना होता है। सरेंडर करने के लिए नागरिक को भारतीय पासपोर्ट के साथ विदेशी राष्ट्रीयता का प्रमाण जमा करवाना भी होता है। इस सर्टिफिकेट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। विदेशी राष्ट्रीयता प्राप्त करना या भारतीय नागरिकता का त्याग के अलावा किसी अन्य वजह से समर्पण पत्र के लिए आवेदन अगर किया जा रहा है तो उसे ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। उसके लिए पासपोर्ट ऑफिस जाना जरूरी है। अब सरेंडर सर्टिफिकेट की फीस भी जान लीजिए। अगर किसी भारतीय नागरिक ने 1 जून 2010 के बाद किसी दूसरे देश की राष्ट्रीयता हासिल की है,
उनके लिए फीस 5,000 रुपए है और 1 जून 2010 से पहले हासिल की गई विदेशी राष्ट्रीयता के लिए फीस है 500 रुपए। नागरिकता से जुड़े कुछ अहम कदम। साल 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नागरिकता नियम 2009 सिटीजनशिप रूल्स 2009 के तहत एक कॉलम शामिल किया। इसमें आवेदक विदेशी नागरिकता प्राप्त करने और भारतीय नागरिकता त्यागने का इरादा क्यों रखते हैं उसका कारण बता सकते हैं। साल 2019 में नागरिकता एक्ट में संशोधन माने अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को नागरिकता देने में तेजी लाने के लिए कानून में संशोधन माने अमेंडमेंट किया गया था। फिर साल 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता त्यागने की प्रक्रिया को सरल बनाया। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 60 दिनों की समय सीमा के साथ आवेदकों के लिए माने एप्लीकेंट्स के लिए दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने का प्रावधान किया गया था। तो ये था आज का आसान भाषा में। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मेरा नाम है आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिला लंटो। शुक्रिया।